इस वेले की अहम ते वड्डी खबर पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल जुड़ी हुई है। वोटां तो एक दिन पहला सीएम चन्नी दीआं मुसीबतां वधदीआं होईआं नज़र आ रही ने। 20 फरवरी नूं पंजाब दे विच वोटिंग होण जा रही है, पर इस तो पहला ही सीएम चन्नी ते लुधियाणा की अदालत दे विच केस दायर होया है, क्योंकि बीते दिनी सीएम चन्नी ने एक बयान दिता सी कि पंजाब दे विच यूपी अते बिहार तो आए हुए भइयां नूं वड़न ना दे। उस बयान ते विवाद खड़ा होया, भावें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बयान ते माफ़ी मंगी ते कहा कि मेरे बयान नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर बारे यह बयान दिता गया सी, प्रियंका गांधी के सामने उन्होंने वालों यह बयान दिता गया सी, जिस बयान ते विवाद खड़ा होया है। हुण लुधियाणा के एक प्रवासी व्यक्ति ने जो कि लाल बाबू जिन्हां दा नाम आ, उन्होंने वालों एक वकील के थ्रू जिहड़ा लुधियाणा की अदालत के विच केस दायर किया गया। उन्हों का साफ कहना कि अजिही बयानबाजी साढ़े भाईचारे के विचकार जिहड़ी एक तरह की ठेस पहुँचाउंदी है, इस करके उन्होंने वालों यह केस दायर किया गया। लाल बाबू का जो शिकायतकर्ता ने उहदा की कहना है ते वकील का की कहना है, तुसीं वह भी सुनो। मेरा नाम लाल बाबू है। लाल बाबू जी, आपने एक शिकायत जो दी है कोर्ट में, वो क्या है, क्या मामला क्या था? बुधवार को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी ने अपने रैली के दौरान बिहार, यूपी और दिल्ली के लोगों को गलत शब्दों के द्वारा संबोधन किया था। भैया वर्ड यूज़ किया था कि हम उनको यहाँ राज नहीं करने देंगे, उनको पंजाबियत सिखाएंगे यहाँ। तो इस करके ये वीडियो जो वायरल हो रही है, सभी के मोबाइल में आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू, मैंने जब वीडियो देखी मुझे बहुत दुख हुआ। और दुख होने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ यहाँ, और मेरे जैसे कितने यूपी बिहार के लोग यहाँ रहते हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर इस तरह के बयान अगर सीएम साहब देंगे, जिनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने दे के यहाँ शांति, जिससे शांति भी यहाँ भंग हो सकती है और भाईचारा यहाँ ख़त्म हो सकता है, और ये एक तरह से भारत को विभाजन करने की, जो भारत की अखंडता है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने इस मामले पर माफ़ी मांगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को कह रहे थे, संजय सिंह हैं, दुर्गेश पाठक है, जो भी उनके नेता हैं। राजनीति पार्टी में अगर आपके कोई प्रतिद्वंदी है तो आप स्पेशली उसका नाम लेके आप उसको संबोधन करो। यूपी बिहार के लोगों का क्या कसूर है, यूपी बिहार और दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है कि आप उनको ऐसे वर्ड के यूज़ कर रहे हो? आपसे उनकी राजनीति जो भी है, आप उनको उसके नाम से संबोधन करो। हमारा क्या कसूर है? यूपी बिहार के लोग यहाँ अपनी मेहनत के बल पे, टैलेंट पे यहाँ काम करते हैं, अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं, इवन आईपीएस अधिकारी भी है यहाँ पे, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हुए। ऐसे में लोगों के मन में जो भावना है, वो जो क्षेत्रवाद की भावना है, जन्म के स्थान पर, पहले तो जाति के आधार पर बांटते थे, अब ये जन्म के स्थान के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, जिससे पंजाब की शांति खतरे में पड़ सकती है। आपने अभी जो कंप्लेंट फाइल की है उसमें किस किस का नाम रखा है? ये जो बयान है सीएम साहब ने, चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको कांग्रेस अपना मतलब बहुत बड़ा मतलब पॉपुलर फेवरेट उम्मीदवार बनाया सीएम के चेहरे के, उन्होंने बयान दिए थे, तो स्पेशली मैंने उनको ही मतलब कंप्लेंट उनकी फाइल की है। तो अभी क्या लगता है, अगर वापस की बात आई तो माफ़ी मांग ली मैंने? ये तो है कि बढ़िया, पहले आप कोई गलत बयान दे दो और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करो, बाद में आप बयान वापस ले ले या माफ़ी मांग लो, तो ऐसे भी होगा। ये जो कोर्ट में मैंने जो कंप्लेंट फाइल की है, माननीय जज साहब जो भी फैसला देंगे, जो भी बनती कार्रवाई है कानून के अनुसार, वो की जाएगी। मैं गौरव अरोड़ा, एडवोकेट। गौरव जी, एक तुझे केस फाइल किया, वो की है, मामला की है? देखो, लुधियाना दे विच साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के खिलाफ 153A, 295, 295A, 504, 505, 511 IPC का एक कंप्लेंट केस इस्तकासा फाइल किया गया वा। देखो, पंजाब दे विच जिहड़े पंजाब दे सब तो वड्डे, जिन्हां नूं आपां हैड कह सकते हैं, गवर्नर साहब तो बाद अगर कोई आंदा तो मुख्यमंत्री हुंदा, अल्टीमेटली मुख्यमंत्री ने ही सारा कुछ करना हुंदा। एक अहम अहुदे का व्यक्ति अगर ये बयान दिंदा है कि पंजाब दे विच दिल्ली, यूपी, बिहार दे भइए भजा दिओ, उन्होंने पंजाबी सिखा दिओ, उन्होंने राज नहीं करन देना,
तो ये जिहड़ा एक घटिया बयान दे नाल नाल एक माड़ी मानसिकता नूं भी दिखाउंदा है। तो मेरे को बहुत सारे लोग जिहड़े ने यूपी बिहार दे सीगे उन्होंने अप्रोच किया सीगा। देखो बींग अ पंजाबी अगर मैं अपनी गल करा, मैं अगर पंजाब तो बाहर जाना केस वास्ते बहुत सारी जगह पर जाना पैंदा, दिल्ली जाइदा या यूपी जाइदा बिहार जाइदा, कई बार MP भी जाना पैंदा आ। उत्थे लोग वेलकम करते हैं, उत्थे कहिंदे ने कि हाँ जी पंजाब तो आए हो तुहाडा वेलकम, तुसीं आओ। और पंजाब दे विच भी इदां ही सी, पंजाब साडी पंजाबीयत की कहिंदी है, जी आया नूं साडे गुरुआं पीरां दी धरती है। बहुत सारे गुरु पीर जिहड़े ने उह पंजाब तो बाहर बिलोंग करते हैं। फिर पंजाब दे विच उहनां लोकां दा की कसूर है जिहड़े पंजाब तो बाहर आए हैं। सो मेरे को शिकायतकर्ता लाल बाबू ने पूरा रिप्रजेंट जिहड़े बिहार कम्यूनिटी तो मेरे को आए थे, उन्होंने लिए मैं एक केस जिहड़ा लुधियाना कोर्ट दे विच फाइल किया वा कि मुख्यमंत्री चन्नी जी ने जिहड़ा यह बयान दिता वा, यह दो कम्यूनिटियां नूं लड़ाण वाला बयान है। उन्होंने जिहड़े रिलीजियस सेंटीमेंटल्स ने वो हर्ट्स होए ने, इस तों अलावा तुसीं उन्हां दी जिहड़ी जान है वह खतरे च पा रहे हो। कांग्रेस नूं देखो मैं माड़ा नहीं कहूँगा किसी भी सरकार नूं, पर एक बार पहला भी कांग्रेस के एक बयान तो एडा क वड्डा बखेड़ा हो गया सी, जदों बहुत सारे मावां दे पुत मरे सी, कई भैणां दीआं आबरूआं लुट्टियां गईआं सीगीआं, उदों भी एक बयान ने ही अगे काम कीता सीगा, अज भी एक बयान ने किन्ने लोकां नूं नुकसान विच पा दित्ता है। सो इस करके लुधियाना कोर्ट दे विच एक जिहड़ा केस है पाया गया वा, तां पूरी तरह दी उम्मीद है कि कोर्ट इस नूं प्रॉपर तरीके नाल लै के जिहड़ी बणदी सज़ा आ उह सरदार चन्नी जी नूं जरूर देवेगी। लगता तुम उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्होंने नाले ये भी कहा है कि मैं ये नहीं कहा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उन्होंने कहा कि नाले उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के जोड़े वोटर ने वो पंजाबी ने, कि मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जोड़े नेता ने उन्होंने कहा। देखो ये गलों का जोड़ी है चीज़ा ना ये सबन पता नहीं, मैं कोई फर्क नहीं सी अगर वो ये गल कहें कि यूपी का फलाना बंदा, दिल्ली का फलाना बंदा, बिहार का फलाना बंदा इत्थे आके राज नहीं कर सकता जो कुछ नहीं करता, मैंने कोई फर्क नहीं सी। कोई स्पैसीफिक बंदे बारे तुसी बोलो, बंदा जाने तुसी जानो, बट तुसी जदों पूरी कम्यूनिटी नूं ही बिलोंग करने गलत कर दिंदे हो। देखो पंजाब अगर तुसी कहने हो यूपी बिहार दे भइए, पंजाबियां ने बहुत ज़्यादा, मेरे बहुत सारे दोस्त ने इवन सिख फैमिली नूं बिलोंग करते हैं वह भी, तो वह पंजाब उत्थे यूपी दे विच उन्हां ने जमीन लित्तियां हुई ने, वो सारा कुछ कर रहे हैं। वो कल तो वह तुम्हें इदा ही कह के कहना शुरू कर देंगे जी हाँ भज लो इतों भजा दो इन्हों ये कर दो, फिर उस तो बाद होगा वह भी एक बयान दे देंगे नहीं जी असी तो इदा किया अं तो उदा किया। स्पैसीफिक वर्ड यूज़ कर रहे हो सारे लैके लिता, कम्यूनिटी में भी टारगेट किया है। सर ये गलों का सिर्फ माइंड वॉश है कि जी मैं एक किया एक फलाना किया। देखो पंजाब के हर धर्म का बंदा रहा, चाहे वह हिंदू है, चाहे वह मुस्लिम है, चाहे वह सिख है, चाहे वह ईसाई है, उन्होंने बहुत सारे लोग बाहरों भी आए हैं। तुहाड़ियां ही गल्लां नाल कल नूं तुसीं किसी होर धर्म नूं भी टारगेट करोगे, पहला भी धक्का हुंदा आया हुण फिर दोबारा हो जूगा इस चीज़ों नूं लैके। कौड़ी दे विच तुसीं लुधियाना कोर्ट के एक केस फाइल किया गया वा, इलाका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के एक केस फाइल होया जी, दलजीत कौर जज साहब के कोर्ट के एक केस फाइल होया वा, तो जिहड़ा शिकायतकर्ता है वे दे विच लाल बाबू है, तो मेरे वालों जाने की एडवोकेट गौरव अरोड़ा वालों उन्होंने रिप्रजेंट किया जा रहा है। ये बेसिकली बिहार तो बिलोंग करते हैं, तो हुण ये अपने परिवार के नाल लुधियाना दे विच रह रहे हैं। ये केस 295A-153 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ UP ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ CM ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।